मैं रास्ते में देखिया सड़क किते गरीब बच्चे परिवार खड़ा होंगे राहुल गांधी दौड़ के उन्होंने जप्पी चपल लेंदा है। ये राहुल गांधी है एक नवी सोच लेके आया है। और मैं इन्हों की इंटरव्यू सुनी कि राहुल गांधी पिछे रह गया, मैं एक नवी चीज है, एक संत रूप है जिसका अज असी स्वागत कर रहे। राहुल गांधी जी, पंजाब ने थोड़ा स्वागत किया, असी थोड़ा स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी, अज जड़े ये हेट नफरत दी गल्लां करते आजादी की लड़ाई विच किते नहीं दिखे। कांग्रेस पार्टी ने देश नूं आजादी लेके दिती, कांग्रेस ने देश नूं बिल्ड किया 70 साल। ये सड़कां दे नेटवर्क, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल, भाखड़ा डैम सब कांग्रेस ने बनाया आजादी लई। लेकिन जिन्हां ने आजादी लैंदे कांग्रेस नूं देखिया वो जनरेशन पिछे चलेगी। नवीं जनरेशन नूं दस्सिया नहीं गया कांग्रेस दे क्या किस तरह घालना घाली है। कांग्रेस पार्टी दा देण देश ने हमेशा कांग्रेस नूं प्यार करके दिता, गरीब लोगों नूं रिजर्वेशन दिती। अज जे मैं थोड़े कोल खड़ा है, MLA बनया है, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तो इस करके कि कांग्रेस की सोच गरीबों प्रति सच्ची सुची है, गरीबों उपर चकन वाली है। साडे मुख्यमंत्री पंजाब वाले कहिंदे लोगों ने महाराजे नूं बनाया सी, चन्नी नूं इन्हें बनाता, राहुल गांधी ने बनाता। वो यार राहुल गांधी की सोच देख, और अपनी मानसिक स्थिति देख, तुसी क्यों स्वीकार नहीं कर पाते किसी गरीब के बच्चे उपर आ देख के, क्यों थानू बुरा लगता है। लेकिन राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। अज दलित वर्ग के लोगों इतने वकील रखे 150, एक दो के रखे, बाकी रखे ही नहीं कोई। क्यों? कहने जी गरीबा ना बच्चा था चंगा वकीले नहीं बन सकता, लिख के एफिडेविट देता है पंजाब की सरकार ने। सत्कारयोग वीरो गल्लां बहुत करनिया होंदियां, लेकिन लीडर ने बोलना है। मैं एक गल कहांगा कि बेहिम्मते ने ओ जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। राहुल गांधी पत्थरां दा सीना पाड़ के निकलेगा एक दिन। अज अपनी सिरता दे नाल, दृढ़ता दे नाल निकलिया होया देश नूं इक करन वास्ते, आओ इसका स्वागत करिए। मैं एक नारा लाना है, बस ये पता लग जाए कि नारा लग गया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।